हाय फ्रेंड्स, नभारती परिवार में आपका स्वागत है। आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर नभारती, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान भाग 13 को लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि पिछली कक्षा में हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दर्शनीय स्थल के बारे में बात कर रहे थे, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो स्थित दर्शनीय स्थल है वो प्रमुख, जैसे मीरा का मंदिर, तुलजा भवानी माता का मंदिर, जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरी, पद्मनी का महल, गोमुख कुंड, भीम कुंड, नवलखा भंडार, ये सब दर्शनीय स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, दर्शनीय स्थल जो कि किसमें स्थित हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत ये दर्शनीय स्थल हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है कुंभ स्वामी मंदिर। नंबर दो आता है मीरा मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था राणा सांगा ने, निर्मित करवाया था। नंबर तीन है तुलजा भवानी मंदिर, जो कि शिवाजी की आराध्य देवी थी। यानी तुलजा भवानी का जो मंदिर है, जो कि शिवाजी की आराध्य देवी थी। और ये जो कुंभ स्वामी मंदिर है, ये स्वयं कुंभा ने बनवाया था, यानी कुंभा द्वारा निर्मित। नेक्स्ट है नवलखा भंडार, ये राणा बनवीर द्वारा निर्मित था। जो नवलखा भंडार था वो किनके द्वारा बनवाया था, राणा बनवीर के द्वारा। नेक्स्ट है जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरी, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। यानी कि जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरी भी उसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। नेक्स्ट है पद्मनी महल भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित है, जो कि एक दर्शनीय स्थान है। इनके अलावा गोमुख कुंड, नेक्स्ट है भीम कुंड, और नेक्स्ट है पद्मनी जौहर कुंड। यानी कि ये वही कुंड है
जिसमें पद्मनी, रानी पद्मनी ने जौहर किया था, जिसको पद्मनी जौहर कुंड के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, मीरा मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, नवलखा भंडार, जयपाल और पल्ला राठौड़ की छतरी, पद्मनी महल, गौमुख कुंड, भीम कुंड, पद्मनी जौहर कुंड, ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित हैं, जो एक दर्शनीय स्थलों के रूप में विराजमान है। तो कहने का मतलब ये दर्शनीय स्थान बने हुए हैं, जहां आज भी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट है, अब तक हमने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में जाना, उसका जो पूरा इतिहास है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, वो सब कुछ अध्ययन किया। तो नेक्स्ट जो दुर्ग है वह है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। अब जब हम कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले आती है बात निर्माण की। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, जो निर्माण करने वाले थे कुंभलगढ़ का, वो थे मूल रूप से, यानी मूलतः इसका निर्माण करने वाले थे संप्रति। कौन थे? संप्रति। लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार कराया, कहने का मतलब जो अधिकांश भाग है, जो जिसमें जीर्णोद्धार माना जाता है, जो कुंभलगढ़ का जीर्णोद्धार कराने वाले हैं कुंभ, जीर्णो धार, यानी जीर्णोद्धार कराने वाले कौन है इसके? कुंभा। और इस जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसमें नौ दरवाजे हैं, नौ दरवाजे। और इसकी एक विशेषता यह है कि जो महाराणा कुंभा थे, वो नागौर से हनुमान जी की मूर्ति लेकर आए थे और उस हनुमान जी की मूर्ति को इस कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थापित किया था। यानी कि कुंभा द्वारा नागौर से हनुमान जी की मूर्ति, कुंभा द्वारा नागौर से हनुमान जी की मूर्ति लाकर स्थापित करने का श्रेय जाता है। यानी कि कुंभा द्वारा नागौर से हनुमान जी की मूर्ति लाकर स्थापित करने का श्रेय जाता है। वो किसको जाता है? कुंभा को जाता है। अब बात करते हैं कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसकी स्थिति क्या है। यानी कि सबसे पहली बात तो यह है, जो कि हमने पहले भी आपको बता चुके हैं, कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कैसा दुर्ग है? गिरिदुर्ग है, राजस्थान का गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, राजस्थान का गिरिदुर्ग, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग गिरिदुर्ग है। दूसरी जो बात आती है इसमें वो यह है कि समदड़ी नामक ग्राम में जरगा की पहाड़ी पर राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में अवस्थित है। कहने का मतलब
जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसकी एक विशेषता है कि यह राजस्थान का गिरी दुर्ग है, और गिरी दुर्ग से तात्पर्य यह है कि वो किसी पर्वत पर बना होना चाहिए। इसके बारे में हमने विस्तृत पिछली क्लास में बता दिया गया है कि जो गिरी दुर्ग होते हैं वो हमेशा किस पर बने होते हैं, वो किसी पहाड़ या पर्वत पर बने होते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की भी यही विशेषता है कि ये पर्वत पर बना हुआ है, पहाड़ पर बना हुआ है, और जिस पहाड़ पर बना हुआ है उस पहाड़ का नाम है जरगा पहाड़ी, यानी कि जरगा की पहाड़ी पर यह बना हुआ है। अब बात आती है इसकी एक और विशेषता है कि ये इसमें बड़ी बड़ी दीवार है, क्योंकि ये पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, और बड़ी बड़ी दीवार होने के कारण इसकी एक विशेषता है कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें कुंभलगढ़ दुर्ग इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसकी जो दीवार है वो दीवार की स्थिति क्या है। दीवार 7 मीटर चौड़ी है। कितने मीटर चौड़ी है? 7 मीटर। जो कुंभलगढ़ की दीवारें बनी हुई हैं वो 7 मीटर चौड़ी बनी हुई है। इसके साथ इसकी जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर, यानी 36 किलोमीटर लंबाई है दीवार की। और ऐसी स्थिति होने के कारण इसके बारे में एक किंवदंती है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की यह खासियत है कि इस पर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ लगा सकते हैं। यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उनकी ये खासियत है कि वो 7 मीटर चौड़ी है, 36 किलोमीटर लंबी है, और इसी कारण कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की यह खासियत है कि इस पर 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ लगा सकते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि ऐसे आपका प्रश्न आ जाता है कि वह दुर्ग जिसकी दीवार पर एक साथ 4 घुड़सवार दौड़ लगा सकते हैं तो वो जो दुर्ग होगा वो होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके अलावा ऐसी स्थिति होने के कारण इसको कहा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जो दीवार है कुंभलगढ़ दुर्ग की इसके बारे में कहा जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। किसके बारे में कहा जाता है? ये कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार के बारे में कहा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की महान दीवार। यदि भारत की महान दीवार कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को कहा जाता है। एक बात आती है इसमें, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके अंतर्गत एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़, और जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत कटारगढ़ बना हुआ है उसकी यह खासियत है कि जो कटारगढ़ दुर्ग है वो मेवाड़ की आंख कहा जाता है, और मेवाड़ की आंख कहा जाने के पीछे
ये उद्देश्य रहा है कि मेवाड़ के जो शासक थे वो कटारगढ़ दुर्ग में बैठकर ही अपने साम्राज्य की रक्षा करते थे। तो कटार दुर्ग एक तरह से मेवाड़ दुर्ग है और जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का एक लघु दुर्ग है। और लघु दुर्ग क्यों कहा जाता है उसको, क्योंकि जो कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बना हुआ है और उसकी जो ऊंचाई है यानी सबसे ऊंचाई पर बनाया गया है और वो ऊंचाई पर बने होने के कारण कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि जब उसको नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है किसी के द्वारा कटारगढ़ दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो सर की पगड़ी गिर जाती है। यह एक महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कही गई है। क्या कही गई है कि यदि उसको नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो सर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है, यानी कि उसको इतना ऊपर जाना पड़ता है, वो इतना झुकना पड़ता है ऊपर की तरफ जिससे कि वो जो उसके सर पर रखी पगड़ी होती है वो गिर जाती है। तो ये जो पंक्ति है वो किसके बारे में कही गई है, कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कटारगढ़ दुर्ग, तो सबसे पहले बात तो इसकी ये आती है कि जो कटारगढ़ दुर्ग है वो एक ऐसा दुर्ग है जो कुंभलगढ़ दुर्ग का ही क्या है, हिस्सा है। इसलिए इसको ऐसे कह सकते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग कटारगढ़ है, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग क्या है, कटारगढ़ है। और कुंभलगढ़ दुर्ग को ये नहीं कि केवल एक कुंभलगढ़ के नाम से ही जानते हो, कुंभलगढ़ दुर्ग के और भी उपनाम दिए गए हैं इसको, कुंभल मेरू नाम से भी जाना जाता है, कमल मीर नाम से भी जाना जाता है, कमल मीर इसको, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली तीन चार मच्छेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसके उपनाम भी हैं, और उपनाम कौन कौन से हैं, उपनाम है इसके, कुंभल मेरू, कमल मीर, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली और मच्छेंद्र, यानी कि ये नाम भी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में प्रचलित हैं जो कि परीक्षाओं में आते रहते हैं कि कुंभलगढ़ निम्न में से कुंभलगढ़ का उपनाम है, तो ऐसे आ जाता है आपका कमल मीर ऑप्शन में है तो आपको आंसर कमल मीर ही रखना है क्योंकि उसमें से एक आएगा और एक आएगा तो जब आपको ये चारों याद होंगे, कुंभल मेरू, कमल मीर, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली, मच्छेंद्र, तो आप उनमें से एक को छांट सकते हैं। तो कहने का मतलब जो कटारगढ़ दुर्ग है वो किसमें स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, और कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित होने के साथ साथ कटारगढ़ का जो उपनाम है वो क्या है, कटारगढ़ का उपनाम है मेवाड़ की आंख, मेवाड़ की आंख, यानी कुंभल मेरू, कमल मीर, मच्छेंद्र, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली की बात करते हैं तो उपनाम उस किसके हैं, कुंभलगढ़ के हैं, लेकिन जब हम कटारगढ़ की बात करते हैं तो कटारगढ़ का जो उपनाम होगा वो मेवाड़ की आंख होगा। यदि मेवाड़ की आंख उपनाम है तो सीधा उसका संबंध किससे है, कटारगढ़ से है। और मेवाड़ की आंख क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें मेवाड़
के राजाओं द्वारा साम्राज्य का संचालन, मेवाड़ के राजाओं द्वारा साम्राज्य का संचालन कटारगढ़ दुर्ग में बैठकर ही किया जाता था। अब क्यों कहा जाता था मेवाड़ की यहां किसको? क्योंकि मेवाड़ के राजाओं द्वारा साम्राज्य का संचालन कटारगढ़ दुर्ग में बैठकर ही किया जाता था। और इसके बारे में जो पंक्ति है वो क्या है, जो कि ऐसे भी आ जाता है कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई? तो ये कहा था अबुल फजल के अनुसार, यानी एक इतिहासकार हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। किसके बारे में कहा है? कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। और क्या कहा है कटारगढ़ दुर्ग के बारे में? कि यह एक ऐसा दुर्ग है जिसे नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। यानी कि अबुल फजल ने इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा है कि यह एक ऐसा दुर्ग है जिसे नीचे से ऊपर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। यह बात किसने कही थी? अबुल फजल ने। और एक जो कटारगढ़ को संज्ञा दी गई है वो किसकी दी गई है? एटुकन की एकमात्र संज्ञा कटारगढ़ को दी गई है। अब एटुकन की जो संज्ञा दी गई है वो किसने दी थी? वो दी इतिहासकार कर्नल टॉड ने। और कर्नल टॉड ने, इसका पूरा नाम है कर्नल जेम्स टॉड। कहने का मतलब अबुल फजल ने कटारगढ़ के बारे में क्या कहा कि यह एक ऐसा दुर्ग है जिसे नीचे से ऊपर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। और कर्नल टॉड ने कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि एटकन की एकमात्र संज्ञा कटारगढ़ को दी है। वो किसने दी है? कर्नल टॉड ने। तो कहने का मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद हमने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जाना और कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ दुर्ग के बारे में हमने चर्चा की। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।